एक पिता अपने बेटे को जीतते हुए देखना चाहता है, जीवन में भी, प्यार में भी। कुछ चीजों के बगैर हम अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते। बिना रोए स्कूल जाना, बिना रोए साइकिल सीखना, बिना प्यार किए 10वीं पास करना, ऐसे सब। लेकिन प्यार में जीतना हारना नहीं होता, प्यार में सिर्फ प्यार होता है। अगर जीतेंगे तो लड़की अपने साथ होगी, और अगर हार गए तो उसकी यादें अपने दिल में होंगी, क्योंकि लव स्टोरीज एंड, फीलिंग्स डोंट। बात है 1986 की, एक नर्सिंग होम की। यस, अभी हम देखने जा रहे हैं विक्रम विजय सिंह की प्यार की कहानी, प्यार की कहानियां। उसके बाद लड़के की पसंदीदा उम्र 16 साल, एडोलेसेंट एज, कच्ची उम्र। उस उम्र में इंटरेस्ट, एम्बिशन, टारगेट, सब कुछ लड़की को पाने के लिए। प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। अरे, असल में तो प्यार ही सब कुछ है। अरे बाप रे, अरे गिर गई तू। सुमा लड़की है ना, इसलिए अगर तेरी माँ होती तो तू इतनी तेजी से नहीं भागता। अरे इस एरिया में इतने एक्सीडेंट हुए हैं, कभी इतनी भीड़ देखी क्या? साइकिल को कुछ नहीं हुआ है, रेडी है, मैंने रिपेयर कर दी, चेन लूज हो गया था। मेरी चुन्नी? अरे हटो 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 सब लोग, चुनरी में ग्रीस लग गया था ना, तो सर से मैंने धुल दिया, अभी ये थोड़ा सा गीला है। साइकिल चलाते समय चुन्नी को ऐसे बगल में बांध लिया कीजिए। यार ये क्या है? अरे विकी, सिंपल लड़की को तो कोई भी पटा सकता है, पर जो कंपटीशन में लड़की को पटाता है ना, वही किंग कहलाता है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में किशोर कुमार, क्या ले? धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। छे, कंपटीशन कुछ ज्यादा ही हो रहा है यार। तो छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ेगा ना, मेरी बात अच्छे से सुन। इस तरह भीड़ में जाकर बोलने की बजाय लड़की को अकेले में जाकर आई लव यू बोल दे। हाँ, डन डन। हाँ, पहले हमारे सामने प्रैक्टिस करो, फिर उसके सामने परफॉर्म। आई लव यू। फील कहाँ है? ओके। I love you. Expressions कहाँ हैं? Dialogue किधर है? छे, expressions, feelings, dialogue सब एक साथ कैसे याद रखूंगा यार? मुझसे ऐसे नहीं होगा। मेरी सारी feelings, expressions उसको एक paper में लिखकर दे दूंगा, वो समझ जाएगी। मतलब love letter? बेटर। पहली बार तुम्हें दुर्गा विलास के पास पकौड़े पार्सल लेते हुए देखा था। मैं साइकिल स्टैंड लगाकर आ रहा था तो तुम दिखी ही नहीं, बहुत बुरा फील हुआ। फिर दोबारा मैंने तुम्हें देखा, सेम कलर ड्रेस,
तभी ही मैंने फिक्स कर लिया कि स्काई इज ब्लू, माय लव इज ट्रू। मैंने जो नारियल भगवान के सामने फोड़ा था उसमें से एक हिस्सा पंडित ने तुम्हें और एक हिस्सा मुझे दे दिया था, और तभी तय हो गया था कि भगवान भी हमारे सपोर्ट में है। उसके बाद भी एक और बार चेक करने के लिए मेरे दोस्तों ने हम दोनों के नामों को फ्लेम में डाल दिया था, और उस समय भी एम ही आया था। मैं तो बहुत शर्मा गया। ओए होए। ए विकी, मच्छी वाली घर आई है तो मच्छी ले लूं या बाजार से तू चिकन ले आएगा? माँ, मैं इतना जरूरी काम कर रहा हूँ और तुम्हें खाने की पड़ी है, कुछ भी बना लो। लेकिन तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? नहीं, चाहिए तो जाने दो। माँ, आप बाजार से टाइगर फिश ले आना प्लीज, बोलना मत। माँ, आधा किलो गीली मछली ले लो और पाव किलो टाइगर फिश ले लो। लगा ही था मुझे। टाइगर फिश ट्राई करो टाइगर, और छोटी मछियों का सालन बना दो प्लीज। हाँ हाँ ठीक है। मोड़ मोड़। बचपन में जब पंडित को कुंडली दिखवाई थी तो बड़े होने के बाद जब मेरी शादी होगी तो मेरी होने वाली पत्नी का नाम एस से शुरू होगा, ऐसा मेरे घर वालों ने मुझे कहा था। इसलिए कह रहा हूँ, आ गई है जवानी, मैं हो गया हूँ दीवाना, तू दे दे मेरा साथ तो बन जाएगा अफसाना। वाओ। Yours lovingly। सुन, तुझे मैं भी शायर है रे। प्यार होने के बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाता है। अरे वो आ गई, वो आ गई। अरे यार तुम लोग मेरे साथ चलो ना, थोड़ी हिम्मत चलेगी। Excuse me। इसकी तो ये कौन है यार? One of the competitor। मेरे बारे में तो सुना ही होगा। नहीं नहीं सुना है। माँ और बाबा दोनों कुवैत। कुवैत? उसी एरिया में रोया बंगलो, 6-bedroom flat, उसमें रहने वाला रैया सैमसन अकेला। ये रैया सैमसन कौन है? So sweet। रैया मैं ही हूँ। इस स्पेक से लेकर शूज तक सब फॉरेन का माल। क्या फॉरेन? बेबी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस राजकुमार की सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स और इस बेबी पर जो मेरी फीलिंग्स की डिटेल्स है वो सब कुछ इस लव लेटर के अंदर है। लेटर? तुमसे पहले? अब तक तो तुम्हारे सिर्फ बालों में ही रिंग्स है, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया तो उसमें भी रिंग्स बन जाएंगे। लाठी और शरीर पर यूनिफॉर्म, मतलब तुम इस एरिया के गुरखा हो। गोरखा हूँ मैं, गोरखा हूँ मैं। अरे गोरखा दिखाई दे रहा हूँ मुझे, गोरखा दिखाई दे रहा हूँ। अरे भाग रहे, भागो। अरे चल चल चल, गोरखा हूँ मैं। एक मिनट पहले जाकर लेटर दे दिया होता तो मेरी क्या हालत हो जाती यार। और क्या, अच्छा हुआ जो उसी की पीठ पर लाठी पड़ी। वैसे भी उस मिलिट्री वाले से दूरी रहना ठीक है। समझ गया ना? वैसे भी प्यार और डर कभी एक साथ नहीं रह सकते। क्या फिर कल लेटर क्यों नहीं दिया? ए, ये बकवास की बात बंद करके कुछ काम का आइडिया दो इसे। यार उसे बहुत याद करके बेहद प्यार से लिखा हुआ लेटर है ये। आंटी? क्या? मम्मी ने भजिया देने को कहा है। दिव्या? हाँ? वो बगल वाली लड़की आई है देख। ठीक है। रोज सेंट की खुशबू अभी भी जैसी थी वैसी ही फ्रेश है। लगता है ये लेटर मेरे पास ही रह जाएगा। अच्छा नहीं लग रहा है। बाय बाय। ओए। हाँ? ओए इधर आ, इधर। उस लड़की को क्यों बुला रहा है? तुम सेंट मेरी स्कूल से हो ना? हाँ। मैं तुम्हें काम दूंगा तो करोगी? हाँ करूंगी। 10th class की सुमा को तुम जानती हो ना? जानती हूँ। लंच ब्रेक में जब उसके आसपास कोई ना हो तो ये लेटर उसको दे देना। ठीक है। मधेर तो क्या तो तू देगा? लेटर। अब चुपचाप बैठ, दोगी ना? हाँ दूंगी। देखो संभाल कर स्कूल बैग में छुपा कर रखना। बड़ा सा चॉकलेट दूंगा तुम्हें। ओके चलो जाओ 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 जाओ। उसने लेटर दिया तो होगा ना? बड़ा सा चॉकलेट लेकर गई यार। लेने के बाद तुमने उससे पूछा? हाँ पूछा तो हंस के चली गई। पता नहीं उसका रिएक्शन कैसा होगा, देखते हैं। ए लड़के इधर आ तो। हाँ तुझे इधर आ। ए, भाग चलते हैं।
लगता है भगा भगा कर मारेगा। ए, भगा भगा के मारे या खड़ा करके मारे, दोनों बात तो सेम ही है। ए, आना। अरे तुम लोग भी चलो ना। तुझे बुलाया हम क्यों जाएं? अरे नहीं, अरे क्या कर रहे हो? लगती है उसकी तरह कहीं इसके साथ भी। इस लिस्ट में जो भी सामान लिखा है दुकानदार को बोल के घर पे भिजवा दो। क्या है यार हा? अरे लिस्ट है, सामान पैक करवाने के लिए बोल रहा है। ए! उनके बुलेट साउंड से ज्यादा मेरे दिल धड़कने का साउंड ज्यादा आ रहा है। ए, सामान की लिस्ट है, अच्छे से बांधना। जरूरी है। ए, होने वाले ससुर जी हैं यार, करना पड़ेगा उनके लिए। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। विक्रम क्या यार, जरा यहाँ आना। साइकिल थोड़ी स्टक हो गई है, निकाल दोगे क्या? थैंक यू। सुमा दीदी ने आज येलो ड्रेस पहना है। ऐसा क्या? अच्छा ठीक है, थैंक यू थैंक यू। येलो शर्ट। काम हो गया। अब क्या हुआ? ए, मैंने दो बार ट्राई किया ना, अभी तू एक बार ट्राई कर लेना। इसे ट्राई वासुआ कहते हैं क्या? ए, प्लीज प्लीज यार, प्लीज 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 करना। अरे बाप रे, अरे रख मत, बात कर। अरे बात करना, कुछ नहीं होगा, बात कर। कौन है? उसका बाप है, बाप कुछ नहीं होता, करना, बात कर, अरे बात कर। हेलो अंकल, सुमा है क्या? हाँ है, तुम कौन? विक्की, निक्की, ट्यूशन फ्रेंड। सुमा? हाँ? निक्की नाम की कोई फ्रेंड है तुम्हारी? हाँ पापा। बगल में सुमा भी है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, बोल बोल। इस समय फोन क्यों किया बेटी, अर्जेंट है क्या? एक डाउट है अंकल। क्या डाउट है, बोलो, क्लियर कर देता हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अंकल। ठीक है ठीक है, कल ट्यूशन में सुमा से पूछ लेना, अभी सो गई है। क्या हुआ मेरे साथ ही? क्यों हुआ? कल पूछने को कहा है। ए, मन्नत है क्या? अरे मन्नत ही है। कल रात सुबह के पापा से बच गया तो 11 नारियल फोड़ने की मन्नत मांगी थी। वैसे भी प्यार उसने किया है और तकलीफ मुझे हो रही है। ये हेलो, हाय
हाय। तुम्हारा बाप तुम्हारे डैडी नहीं आए क्या? नहीं, हनी और मैं आई हूँ। ओके। कल रात में फोन करने वाले तुम ही थे ना? मैं हमने अच्छा हमने तुम लोग मंदिर आते रहते हो क्या? हाँ, एक मन्नत थी, उसी के लिए नारियल फोड़ रहे हैं। ओ, चलते चलते बात कर सकते हैं क्या? अगर किसी ने देख लिया तो बहुत। हाँ, ओके, बेटर। हाँ। इतनी रात में फोन किया तुमने, तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं क्या? हाँ, फोन करने के लिए कौन क्या बोलेगा। तुम लोगों में निकी कौन है? ये विक्की और मैं निक्की। अरे बापरे, इतनी रात को तुम विक्रम के साथ उसके घर पे थे? जैसे कि मैं तुम्हारे घर रुक गया हूँ, उतना बड़ा रिएक्शन दे रही हो। तुम्हारे घर के लोग कुछ नहीं बोलते? मेरे घर में तो सारे लोग फ्री हैं, काफी दोस्त मेरे घर पे आते रहते हैं, कभी भी घर आ जा सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। मेरे मम्मी पापा बहुत ही अच्छे हैं। अरे वाह, तुम कितने लकी हो। या मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं। पता है। तुम्हारे घर पे गर्ल्स भी आती हैं क्या? गर्ल्स मतलब मेरे सिस्टर की जो दोस्त हैं वो आती हैं। मैं भी आ सकती हूँ क्या? नहीं आ सकती क्या? अरे रे, तुम क्यों नहीं आ सकती? उल्टा तुमने जो ये मुझे सवाल पूछा है वो सपने जैसा लग रहा है। थैंक यू विक्रम, इस सैटरडे हम दोनों आएंगे। बाय बाय। अरे विक्की, बोल रहे निक्की। चलो और 11 नारियल चढ़ाते हैं भगवान को। फाइनली सुमा के लिए हलवा। ये तेरे लिए नहीं है, ओनली फॉर सुमा। के चक्कर में दोस्त को भूल गए। सर नहीं कर रहे हैं माँ, हमसे करवा रहे हैं। दिव्या, अगर माँ ने पूछा ना कौन है तो बोलना तेरी फ्रेंड है। ठीक है भैया, बोल दूंगी। ओके विक्की, देखो तुम्हारे लिए कोई आया है। हाय विक्की। हाय सुमा, आओ ना अंदर आओ, प्लीज कम। अंदर आ जाओ शेखर। हाय, हेलो। ये शेखर है, मेरा फ्रेंड, हैदराबाद में रहता है। फ्रेंड मतलब? फ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड है। अरे अरे, तुम लोग हमें गलत मत समझो, हम दोनों शादी करेंगे। याहू मैसेंजर में मिले थे, बहुत अच्छा इंसान है। तुम्हें पता है ना कि मेरे पापा कैसे हैं? जस्ट वन आवर, हमें यहाँ बात करने दो ना। आज इवनिंग बस से चला जाएगा ये, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? ओके, नो प्रॉब्लम। बोला था ना शेखर, विक्की बहुत अच्छा इंसान है, घर वाले और दोस्त भी। अंदर आइए। आ जाओ शेखर। वाह, हलवा तो टेस्टी लग रहा है, खा सकता हूँ ब्रदर? खाइए। थैंक यू ब्रदर। मिलते हैं प्यार करो ना तुम, बात मेरी मानो, प्यार में हजारों धोखे मिलते हैं। इश्क रंग क्या दिखाए कोई भी तो ये जाने ना, ये जाने ना। फिरते हैं मारे मारे कितने दीवाने यहाँ। विक्रम, फिर से एक छोटी सी हेल्प चाहिए। बोलो। अगले हफ्ते दशहरा हॉलीडेज है ना, तो 10 दिन के लिए शेखर तुम्हारे यहाँ रह सकता है क्या? हाँ। थैंक यू। प्यार करो
ना तुम बात मेरी मानो, प्यार में हजारों धोखे मिलते हैं, प्यार करो ना तुम बात मेरी मानो, प्यार में हजारों धोखे मिलते हैं। चॉकलेट बार बार मुझे तेरी यादें सताए रे, ना मिले सुकून दिल बड़ा ही तड़पाए रे, दिन वो पुराने याद जब भी मुझे आए, क्या बताऊं कितना रुलाए रे, बार बार मुझे तेरी यादें सताए रे, ना मिले सुकून दिल बड़ा ही तड़पाए रे, दिन वो पुराने याद जब भी मुझे आए, क्या बताऊं कितना रुलाए रे, देख तुझे हुआ हूं मैं बाबुरा, बात मेरी जान सुन जरा, इस गम के रास्ते पे मैं हूं कब से खड़ा। प्यार करो ना तुम बात मेरी मानो, प्यार में हजारों धोखे मिलते हैं, प्यार करो ना तुम बात मेरी मानो, प्यार में हजारों धोखे मिलते हैं। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। ए रुक जा प्रिंसिपल, यही है। तो आग में पेट्रोल फेंकना जितना खतरनाक होता है, उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है तेरे बाप की तो बोलना। सिर तो फूटना ही है।
क्या रे, इससे तू मार देगा मुझे? इस चैन पर सारे हक, पेटेंट राइट्स हमारे हैं। पैसे मेरे हुए। पत्तों से जीते हुए पैसे काफी हैं, अलग से माँ बाप से मंगवाने की जरूरत नहीं है। ये 60 क्यों, तुम बियर बॉटल बेच के गुजारा नहीं कर रहे हो? मुंह बंद करके खेल बे। सर पूरे 60 बॉटल हैं। हाँ। ये 120 रुपए लीजिए। समर में 50 पैसे ज्यादा देते हैं ना। तू हंस मत, जा। क्या हुआ, आज सुबह सुबह नहा लिया भाई? आज कॉलेज री ओपनिंग है ना। अच्छा, क्या बे, जूनियर रैगिंग है? नो 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 नो, ऐसे नहीं बोलते, वेलकम टू फ्रेशर्स ऐसा बोलते हैं। गैप के बाद भी उनका डर अभी तक कम नहीं हुआ है विकी। डर नहीं, रिस्पेक्ट। सही कहा। कहां से हो, बॉयफ्रेंड है क्या तुम्हारा? नहीं है जी। चलो ठीक है। ए लगी 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 ए लगी। नाम क्या है? अमुक्ता मालेदा, अभिनया सुरभि। तुम लोगों का नाम याद रखने से अच्छा है कोई दूसरा नाम रख लो। लेट्स मेक इट सिंपल, तुम अमू, तुम अभी। सो पॉप, कौन सी ब्रांच? सीएससी। आखिर में सर कहाँ है? सॉरी सर, सीएससी सर। सिंक अच्छा है, डांस आता है क्या? नहीं आता सर, मैं काफी डिसेंट फैमिली से हूँ। तुमसे मैंने डांस के बारे में पूछा, फैमिली के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। ओए इधर आ। बहुत खुश लग रहा है, नाम क्या तेरा? अखिल। और क्या रैगिंग करेंगे, चल जा। थैंक यू ब्रदर। तो अभी एक अच्छे से गाने पर डांस करके अपनी अपनी क्लास में जाओ। सर प्लीज। ए साड़ी। मी? क्या नाम है तुम्हारा? सितारा विवाड़कर। विवाड़कर, मराठी? हाफ हिंदी हाफ मराठी। व्हाट्स योर नेम? जूनियर्स सीनियर्स से नाम नहीं पूछते, ओके? आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई केम हियर टू टीच, आई एम अ लेक्चरर। तुम्ही कोणत्या ब्रांच आहात? क्या? Which branch? CSC. मैडम कहाँ है? CSC मैडम। Please save us from this dirty guys, madam. Please, madam. Dirty dirty कहो तो मुंह की चटनी बना दूंगा। क्या कह रहा है ये? ये sorry बोल रहा है मैडम। Yeah, sorry. Good. Thank you, madam. इतना मजाक ठीक है, पर इससे ज्यादा मजाक dangerous हो सकता है। No ragging, okay? Okay, madam. What are your names? वासु मैम,
शिवा मैम। विक्रम मैडम। गुड, सी यू इन क्लास। मैम, प्रिंसिपल सरांना सांगू नका। मराठी ठीक है, नहीं सांगणार। तुझे मराठी आती है? और क्या, तब भी तुझे समझ में नहीं आया कि वो लेक्चरर है? ए, वो कहीं से भी लेक्चरर दिखाई देती है क्या? हमारी आंखें फूट गई हैं। हेलो, आई एम सितारा। हाय। हेलो सितारा। हाय। 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 हाथ सामने रख के छींक बे। तीन दिन से खांसी और जुकाम है, दवाई लेने पर भी कम नहीं हुआ। ये दवा पी, एक मिनट में सब सेट हो जाएगा। ये क्या है रे, गला जल रहा है। कड़वी दवाई है तो ऐसी नहीं होगी तो कैसी होगी। सही कहा, सही कहा। हाय एवरीवन। हेलो मैम। आई एम सितारा, आई एम फ्रॉम पुणे एंड आई एम हियर टू टीच यू ऑल डीएसपी। तो आप लोग अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दो। विकी, विकी मैम। बच्चा बैठ जा, क्या कर रहे हैं? प्रियंका मैडम। काव्या मैम। ओके। शालिनी मैम। या निकिता मैम। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स दिस? कॉफ सिरप मैम, फॉर कॉफ कोल्ड एंड फीवर। ओ, तो ये तुम्हारा कॉफ सिरप है? यस मैम, विक्रम ने दिया, बोला ठीक हो जाएगा। Three of you, stand up. Stand up. Alcohol is fine. जो करना है free time में करो, लेकिन class में बिल्कुल नहीं, समझे? Good decision. हाँ? तुम चारों जन, get out. Madam, madam, madam. No get out, madam. Principal on round. We stand up on bench. Out. मैडम, मैडम प्लीज कम आउट ऑफ द डोर। मैडम जस्ट वन मिनट, प्लीज प्लीज। आई विल नॉट ड्रिंक इन द क्लास मैडम। गुड, बट जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। यू आर लुकिंग सो वेरी ब्यूटिफुल। वासु, yes, ma'am. शिवा, yes, ma'am. इसको यहाँ से ले जाओ। मैडम चल, अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैडम, तू सच कह रहा हूँ, यकीन कीजिए मैडम। अरे यार सर भारी हो गया, कुछ पीने के लिए बोल दे। ओ भाई साहब, स्पेशल में क्या है? पिछला उधार बाकी है, दोगे क्या? तुम्हारी हाइट कम है पर जोक बड़े मार लेते हो। तीन लस्सी दे दो। ठीक है ठीक है। नमक और शक्कर दोनों एक ही साथ डाल देना। हाँ बे, तुझे सच में इतनी चढ़ गई थी तभी लेक्चर को ब्यूटीफुल बोल दिया। पीने से नहीं चढ़ी थी यार, उसे देखकर चढ़ गई। क्या बोल रहा है तू? यस, मुझे वो बहुत पसंद है। ए, असल में तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? हाँ। अरे मैं भी यही पूछ रहा हूँ यार, उसे प्यार करने में प्रॉब्लम क्या है? उम्र में यकीनन तुझसे बड़ी ही होगी। हाँ, कितनी? 2 साल होगी ना। मैं 20 साल का हूँ तो वो 22 साल की होगी। कल मैं 60 का हो जाऊंगा, वो 62 की हो जाएगी, बस इतना ही ना। अरे ये सब आगे जाकर कॉमन हो जाएगा, मूवीज में कहानियों में ये सब ट्रेंड बन जाएगा, देख लेना। अभी अपने सचिन को ही देख ले, 6 साल बड़े लड़की से शादी कर लिया, सक्सेसफुल लाइफ। अपना भी ऐसा ही सेट हो जाएगा, देखता रहे। वैसे दुनिया में तो इतनी सारी लड़कियां हैं, फिर भी तुझे सितारा मैडम क्यों अच्छी लगी? है ना,
अबे चुप कर, तुझे भूतकाल की इसकी लव स्टोरी नहीं पता है क्या? अब मेरी बात सुन, तू स्टूडेंट और वो लेक्चरर, ये गलत है। ए, अगर मैंने उसे किसी मंदिर या थिएटर में देखा होता तो हा? या फिर कॉलेज का ईयर एंड करने के बाद मैं उसे किसी ऑफिस में मिल जाता तो असल में मैं इस कॉलेज का हूं ही नहीं। फैक्स। हाथ में क्या हुआ सर? मोच आ गई क्या? मोच हाथ में नहीं आई है, हार्ट में। ओ यस, मेरे सपने में हर बार एक लड़की आकर मेरे गाल को छूकर अपने हाथों से मेरे बाल को संवारकर हंसते हुए चली जाती थी। अब वही स्वप्न सुंदरी अपनी सितारा मैडम के रूप में मेरी आंखों के सामने है। ओ। मुझे उसने शेक हैंड भी किया यार। नसीब होना चाहिए सर। किसे? मुझे नहीं, मैडम की। आप जैसी पर्सनालिटी कहाँ मिलेगी? करेक्ट। वैसे आप मैडम को अपने लव के बारे में कब बताने वाले हो? अभी बताना चाहता हूँ, लेकिन डर लग रहा है। डर किस बात का? इससे पहले आपने किसी लड़की से प्यार नहीं किया? मतलब मुझे तो चार लड़कियों ने किया, पर मैंने किसी को नहीं किया। ठीक है, मुझे मैडम समझकर मुझे प्रपोज कीजिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सितारा। क्या हुआ सर? आपकी स्टाइल भी 70s की है, वो नए जमाने की लड़की है, मिल चुकी है आपको ऐसे तो। ठीक है, आज से जो मैं कहूँ वही कीजिए। आई विल टेक केयर ऑफ यू। ओके, थैंक यू। Good morning, ma'am. Good morning. मुझे डर लग रहा है सर। प्रेमी के अंदर यही नहीं होना चाहिए डर। चलिए सर, मैं हूं ना। चलिए 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 चलिए। हाय 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 हाय। नमस्ते नमस्ते सर। Can I help you? Small doubt, madam. बताओ क्या doubt है? Actually, first, sir, sir. मैं श्रीकांत, जावा एक्सपर्ट। आई वॉन्ट टू नो योर फोन नंबर। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। थैंक यू। टेल मी। 09763 3838 6929। ओके, थैंक यू। जीरो मतलब रोमिंग लगेगा क्या? नो नो नो, चलिए चलिए, बाय बाय। क्रेजी फेलो, इसीलिए मैंने अपना लास्ट का नंबर चेंज कर दिया। ओहो, एक्चुअल में क्या है? 8। एनीवेज, व्हाट वाज योर डाउट, टेल मी। मैम, डोंट टेल टू प्रिंसिपल दैट ड्रिंक क्लास ड्रिंक, नो कंप्लेंट मैडम। विचार करते हैं। मैं सोचती हूँ। ओके ओके ओके, सोचेगी, विचार करे, विचार करे, नहीं करेगी। सो स्वीट। अरे अर्जेंटली कोई मराठी सीडी अरेंज कर देना। डन। जावा, हमारी दादी की सुनाई हुई कहानी की तरह बहुत प्यारी होती है। जावा इज वेरी सिंपल बट पावरफुल, मतलब समझ जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। विक्रम, जावा इज वेरी सिंपल बट पावरफुल सर। करेक्ट। समझ जाओगे तो अच्छा लगेगा। दिस इज अ स्पेशल क्लास ऑफ। मावा? नहीं सर, जावा। कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इज। एक्सक्यूज मी सर। विक्रम, वासु, शिवा, तुम तीनों को प्रिंसिपल साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया है। सस्पेंड करने के बाद तुम्हें कहा गया था कि अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ। जो बताया वो तुमने नहीं किया और डायरेक्टली क्लास में चले गए। कल पूछा तो ये बताया गया कि वो आज आ जाएंगे। हाँ सर। क्या हाँ सर, कब आएंगे? ऑलरेडी आ गए हैं सर। तो कहाँ हैं? आ जाएंगे सर।
डीसीपी रामचंद्र। आप? विक्की का मामा। ओ, पर मैंने तो उसके फादर को बुलाया था। मैं उसका पापा हूँ, ऐसा ही समझिए। खून का रिश्ता है हमारा। प्रॉब्लम बताइए। कुछ नहीं, बस दिन ब दिन इसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। एक ग्रुप बना के रखा हुआ है, सबके साथ मारपीट करता है। कुछ दिन पहले उसने कॉलेज में एक ट्रांसफार्मर को बॉम्ब से उड़ा दिया था। जब एक लड़के ने उससे पूछा कि ये क्या किया, तो उसने उसका सर फोड़ दिया। क्यों रे, ये सब सच है? इनसे क्या पूछ रहे हैं आप? इन्होंने जो काम किया उसके बदले तो इन्हें कॉलेज से सस्पेंड कर देना चाहिए था। मैंने तरस खा के सिर्फ 2 महीने सस्पेंड किया। परसों ही ये सितारा मैडम की क्लास में पीकर आए थे। क्या कोई क्लास में पीकर आ सकता है? वेरी बैड, वेरी बैड। क्यों रे, क्लास में पीता है? मामा जी, वो मैं क्लास में कैसे पीता है? तू पीना है तो बाहर में जा, घर पर पी, कौन मना करता है? घर में मानते नहीं है ना मामा जी। तो कहीं और जाके पी। ओके फाइन, बी केयरफुल। ठीक है सर, आगे से क्लास में नहीं पिएगा। आपका लड़का बिगड़ता जा रहा है और मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आप इसे समझाएंगे, और आप कह रहे हैं कि घर में जाके पी ले, बार में जाके पी ले, ये कौन सा तरीका है? आपके बच्चों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? इसीलिए तो मैं इतना दूर आया हूँ। ये बिगड़ा नहीं है, बड़ा हो रहा है। एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। घर में तो ठीक है, लाड़ की वजह से कंट्रोल नहीं हो पाता, लेकिन कॉलेज में कंट्रोल करना तो आपका काम है। अगर आप हमें कंप्लेन करेंगे तो कैसे चलेगा? एक बात बताऊं आपसे, इसने तो ट्रांसफॉर्मर में बॉम्ब लगाया था। जब मैं स्टूडेंट था तो प्रिंसिपल की सीट के नीचे बॉम्ब लगाया था। पर आज देखो, इस स्टेट की बॉम्ब स्क्वाड मेरे अंडर है। स्टूडेंट हो तो इसके जैसा होना चाहिए, तभी यह बड़ा होकर मेरे जैसा बन पाएगा। अगर इसे ऐसे ही पप्पू रखा ना, तो बड़ा होकर पप्पू ही बनेगा। मेरे भांजे पर मुझे भरोसा है, आगे चलकर आपके कॉलेज का नाम रोशन करेगा। और आइंदा ऐसी बेकार बातों के लिए हमें बुलाकर हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। डोंट यू ट्रबल मी अगेन फॉर सच पेटी पप्पी इश्यूज, माइंड इट। क्यों रे, सही झड़ा ना? सुपर मामा जी। आखिर में इंग्लिश डायलॉग पर ही सीटियां बजती हैं सर। अबे सपोर्ट किया, इसका मतलब मेरे सिर पे मत चढ़। दारू पीना कम कर दे और आगे से पढ़ाई में ध्यान दे। ओके मामा जी, बाय। कुछ भी बोल, तेरे मामा तो है कमाल के। y of n is equal to x of n into h of n and then y of n is equal to half into Vasu, Vikram, Shiva, आप लोग क्लास में कब आए? स्टैंड अप, आप क्लास से बाहर जाओ। टुडे नो ड्रिंक मैडम। तुम्हें पता है मैं क्लास से बाहर जाने क्यों कह रही हूं? गेट आउट। Signal processing refers to various techniques for improving the accuracy and reliability of digital communications. The theory behind DSP is quite complex. Basically, DSP works by clarifying or standardizing. तुझे मस्ती सूझ रही है? यहाँ फालतू में पनिशमेंट मिल गई। Now we learn advantages of DSP. First is a digital programmable system allows flexibility in reconfiguring the digital signal processing operations by changing the program. In analog redesign of hardware is required. And the second one is in digital accuracy. क्यों बेटा? Punishment मिली है? स्कूल के बच्चों की तरह बाहर खड़े हो? Fixed point arithmetic etc. In analog depends on components. मैडम सही है ना? माँ बाप और गुरु भगवान समान होते हैं, ऐसी चीप बातें वापस तेरे मुंह से निकली ना, सुबान काट दूंगा तेरी। जा। सर तो पंच डायलॉग मार रहे हैं, माँ बाप और गुरु तीनों भगवान के समान होते हैं। यार तू उन्हें ऐसे भी रूप में देखता है क्या?
उसे मैं अपनी नजर में देवी मानता हूँ। देवी मतलब भगवान ही तो है ना। तो अगली बार से मेरी क्लास में टाइम पर आ जाना। ओके ओके मैम। गो इनसाइड। विक्रम तुम रुको, यू गो इनसाइड। आपको पता है आ? सागर मूवी मैंने 18 बार देखी है। हाँ तो मैं तुम्हें ये क्या, ये सब जब भी देखो मैडम के आसपास ही घूमता रहता है। डोंट वरी, मैं हूं ना। हाय हाय। एक्चुअली मैंने आपको मैसेज किया, नो रिप्लाई। उसके बाद मैंने आपको कॉल किया। हाँ। उसके बाद एक लेडी ने फोन उठाकर मुझे बहुत गालियां दी और कट कर दिया फोन। ओह, वो मेरी हॉस्टल वार्ड थी। शी सॉ द मैसेजेस और उसी ने कॉल अटेंड किया। शी सेड यू साउंडेड लाइक अ फ्लर्ट। सॉरी, आई डोंट नो इट वाज यू। मतलब ना हिंदी आती है, ना मराठी आती है, ना इंग्लिश आती है, लेकिन दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हें ही चाहिए। ये क्या, क्लास छोड़कर यहाँ क्लास चालू कर दी? कुछ नहीं सर, एक छोटा सा डाउट है। गुड, डाउट तक आ गए इसका मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई तुमने शुरू कर दी है। हाँ मैडम, विकी का बिहेवियर अब कैसा है? इट्स ओके नाउ सर, बस क्लास में लेट आया था। उसी के लिए क्लास ले रहे हैं सर। ज्यादा क्लास मत ले लेना वरना इनके मामा जी हमारी क्लास ले लेंगे। चलो जाओ अंदर, अंदर जाओ। ठीक है सर, चलिए। ओके मैडम, रुकने को कहा था? नथिंग। ओके। ड्रेस मैचिंग से कोई फायदा नहीं होगा, याद रख। करेक्ट है यार। तीखा डालना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। बैठो बैठो,
ये क्या मेरे क्लास में आना ही बंद कर दिया तुमने? वो क्या है ना सर, ओके नो प्रॉब्लम, मैं मैनेज कर लूंगा। ओके अच्छा तुम लोग क्या लोगे, चाय बिस्किट बोल दूं क्या? वो हमने राइस प्लेट ऑर्डर कर दिया है सर। अरे वेज किस लिए है? ए, 5 चिकन बिरयानी जल्दी, बिल सर के अकाउंट में। 5 बिरयानी नहीं वासु, 4 ही। ये किस लिए सर? मैं ओनली स्प्राउट्स, एक्चुअली मेरा पेट बाहर आ रहा है। पॉइंट पे आते हैं। विक्की हाँ। अभी तुम मुझे एक लेक्चरर की तरह नहीं, एक ब्रदर की तरह समझो। ब्रदर क्यों समझना चाहिए सर? वासु बीच में डिस्टर्ब मत किया करो, वैसे ही मुझे बहुत कंफ्यूजन रहती है। विक्की बोलिए ना सर। मेरी स्वप्न सुंदरी मुझे दिखाई दे रही है। सपने में? नहीं कॉलेज में। सर। कौन सी मैडम सर? सितारा मैडम। तो आपने मैडम को बताया कि नहीं? बताना चाहता हूँ लेकिन डर लगता है, इसीलिए तो तुमसे हेल्प चाह रहे हैं। सर लेकिन मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? ये लो तुमने ट्रांसफॉर्म खा लो, रख दिया ना, अब जाओ यहाँ से। मैं बोलता हूँ तुमने ट्रांसफार्मर उड़ा दिया था, अर्जुन को भी मात दे दी थी, फिर भी बिंदास घूम रहे हो, कॉलेज में तुम्हें लोग हीरो मानते हैं। ओह तो ये बात है। कल सभी लोग इंडस्ट्रियल टूर पे जा रहे हैं। हाँ। उस टूर में तुम सब लोगों को अपने सर के बारे में अच्छी बातें बोलनी है। कल सुबह ठीक 7 बजे बस कॉलेज के सामने आकर रुकेगी, सारे स्टूडेंट्स बस में फटाफट बैठ जाएंगे, आगे की 4 सीट्स पे रिजर्व लिखा होगा, उन रिजर्व सीट्स के ऊपर अपने श्रीकांत सर और सितारा मैडम एक साथ बैठेंगे। सर अगर 2 लेक्चरर्स अगल बगल में बैठेंगे तो क्या होगा पता है ना? By April syllabus complete हो जाएगा। How about you? 2 चैप्टर बच जाएंगे, बट नो प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैं बदलवा कर दे दूंगा। एक बात पूछना मैं भूल गई, आपके बच्चे कितने हैं? अरे बाप रे, सही कहा। सर मैं एक आइडिया बताता हूँ, सितारा मैडम के बगल वाली सीट पर हम विक्की को बैठा देंगे। क्या ये नींबू है? मुझे बस के सफर में वॉमिटिंग होती है। एक बड़ा कद्दू लाना चाहिए था साथ में। मामला क्या और कर क्या रहे हो? बस में सब लोग एंटरटेनमेंट कर रहे होंगे तो पटाख से पीड़ी सर उठकर। गाइस जर्नी बहुत बोर कर रही है, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाना चाहिए। मैडम आपको एक बात पता है? अपने ये जो सर है ना सुपर्ब डांसर है। रियली? बाप रे मुझे डांस कहाँ आता है यार। कोई बात नहीं सर, मिलती हुई बस में कोई भी स्टेप करो अच्छा ही लगेगा। कम ऑन यू कैन डू इट सर। विक्की करना जरूरी है क्या हमारे लिए? सर 1 स्टेप प्लीज सर, कम ऑन सर, यू हैव टू डांस, आपको करना पड़ेगा सर। मौका अच्छा है, लपक लीजिए। ठीक है आपके लिए साउंड। विक्रम कीप इट। Woo!
मैम का रूम कहाँ है? सीधे जाके राइट ले लीजिए। वो सितारा मैडम को पूछ रहा था। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। क्या बात कर रहा है? लगता है बॉयफ्रेंड है, पर्सनालिटी तो उसकी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है उसे ले जाने के लिए आया है। चल बाजू हट। So have you adjusted well here? Yeah. Hey, अभी मैं तुम लोगों के बारे में ही बोल रही थी। This is Shiva, this is Vasu, this is Vicky. These are my students. And this is my cousin Sanjay. Hi guys. Hey Vicky, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ गया? You okay? अभी क्रिकेट खेल रहे थे, इसलिए। Oh, okay. We are going for lunch. आप लोग आ सकते हो? हम आ सकते हैं? हाँ, आप लोग भी आ सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओह, मैं कंपनी के काम से ही आया हूँ। आप लोग आओगे तो सितारा को भी अच्छा लगेगा। मेरा मतलब, I mean, आपकी सितारा मैम को भी अच्छा लगेगा। ओह, पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे होंगे। क्या भूखे मारे हैं? ओह, तो बताओ यहाँ कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है। हमारा कॉलेज का कैंटीन अच्छा रहेगा। यू ओके विद दैट? या ऑफ कोर्स। ठीक है, सितारा ओके तो मैं भी ओके हूँ। तो जल्दी चलिए सर, वरना चूहे हड़ताल मचा देंगे। Come on, let's go. चलना। Guys, order दो। हाँ तो ये दे देगा, खाना यहाँ का अच्छा है। ओ, तू ही बोल दे। ओके। ओ भाई सुनो, यहाँ आना। ये कौन है? सितारा मैडम की कजिन है। ओ, कजिन है, मुझे लगा कोई रिश्तेदार है। ऑर्डर दो। 5 बिरयानी लेकर आओ। मुझे टेंशन हो रही है, अब ये कौन आ गया सर? एक चिकन फ्राई बोल रहा क्या? राइस बच रही है ना, इसलिए। ए भाई सुनो, एक चिकन फ्राई। सर के अकाउंट में। ठीक है। सो, आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं? संजय एचएसबीसी में काम करता है। ये बहुत स्मार्ट है, और सिर्फ स्टडीज में नहीं बल्कि जॉब में भी। और एक बात बताओ वासु। हाँ मैडम। संजय स्मोक भी नहीं करता और ड्रिंक भी नहीं। कभी नहीं। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ, सेहत के लिए हानिकारक है। सर, कल से मैं अपनी ड्रेसिंग स्टाइल पूरी तरह चेंज कर दूंगा, हेयर स्टाइल भी। सर, स्टाइल ठीक है, लेकिन आपके बाल? सर, चाहे कोई कितना भी स्टाइलिश रहे, कितना भी सुंदर दिखे, मैडम आपकी होगी। मैडम के कजिन के साथ विक्की भी है, देखा? हाँ, उसे मैंने ही सेट किया है। आपका कितना ख्याल रखता हूँ सर मैं। थैंक यू सर। एक स्वीट लस्सी बोल दूं क्या? हाँ हाँ, बोल दीजिए। लेना? नहीं चाहिए। तो बियर पिएगा? मैं पीता ही नहीं हूँ। हैं? पीता नहीं है? छोड़ दिया अबे। हैं? छोड़ दिया? तुम सबकी संगत से मैं बिगड़ गया, वरना मुझे इन सबसे चिढ़ होती है। अच्छा। और नहीं तो क्या, पानी की बोतल में दारू मिलाकर क्लासरूम में पीने की आदत हमने तो डाली है। तू अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप ये पी। टाइम आने के बाद बदलना पड़ता है, मेरा टाइम आ गया है। ए, इसे छोड़ो, सब अपना अपना ग्लास उठाओ। चीयर्स। हार्ड बन गया क्या? थोड़ा सा। ए, ग्लास निकाल, ये 4 पैक दे। हेलो। हेलो गाइस। सर, एकाच वर्ड मध्ये आंसर, राग आलाय का? मराठी। मुझे लगा शायद तुम्हें मराठी अच्छे से आती है, पर शायद तुम्हें दिक्कत होती है। हेलो, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो आप बताइए, आप सुबह कैंटीन में इतने नाराज क्यों थे और अब भी इतने नाराज क्यों हो? ओके, लीव इट, टेल मी, व्हाई यू सो डल? Nothing. Oh, संजय को स्टूडेंट बताकर इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए क्या? But स्टूडेंट ही हो ना? Okay बाबा, you're my student and you're my friend. Okay? Okay.
और हाँ, संजय ड्रिंक नहीं करता इसलिए तुम उसे पसंद करती हो। संजय को पसंद करती हूँ ऐसा किसने कहा तुम्हें? ड्रिंक करने वाले पसंद नहीं है और ऐसा किसने कहा? जिसकी लाइफ जैसे भी जिए। यानी तुम्हें ड्रिंक करने वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? Not at all. In fact, some boys drink करने के बाद काफी confidently बात करते। I find it very funny. तूने तो पीना छोड़ दिया था ना? तू बनाना। Okay, listen, Vicky, मुझे सोना है। Tomorrow is very important day. Hello, madam. Okay, good night, bye. Good morning, uncle. Good morning, beta. Good morning, madam. Vicky, तुम यहाँ इस वक्त? Happy गुड़ी पड़वा। Thank you. तुम्हें कैसे पता? कल नाइट में फोन रखने से पहले आज स्पेशल डे है ऐसा कहा था। पहले तो मैंने बर्थडे समझा, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, और उसी काम में लग गया। सारे रीजन में कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं ये जानने के बाद, हम जैसे अपना त्योहार मनाते हैं वैसे ही मराठी लोग आज गुड़ी पड़वा मनाते हैं। थैंक यू विकी, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। श्रीखंड। ओह माय गॉड विकी, प्रोफेशनल मराठी शेफ ने बनाया हो ऐसे लग रहा है। अंकल यहाँ आइए, ये हमारे गांव का स्वीट है। बहुत टेस्टी है। ये मेरे स्टूडेंट, माय फ्रेंड विकी। नमस्ते। थैंक यू बेटा। ऑटो के लिए वेट कर रही है क्या मंदिर में? या ओ, मैं अपनी बाइक पर ड्रॉप कर दूं आपको। एक्चुअली थोड़ा सा होमसिक सा लग रहा था, फेस्टिवल है ना, बट आई एम नॉट होमसिक एनीमोर, अब घर में हूँ वैसा ही लग रहा है। और ये मेरे मम्मी ने बनाया ऐसे ही लग रहा है। सिर्फ एक बार इंटरनेट में देखकर इट्स अमेजिंग रियली। तुम्हारे हाथ में कोई मैजिक है, जो लड़की तुमसे शादी करेगी वो लकी होगी। हाउ डू यू से happily खा के, so what's that? happily खा के सो सकती है। Correct, exactly. Thank you. ऐसे बताऊं मैं दिल की बातें, खोए खोए दिन थे खोई थी रातें। है आज तुमसे मुझे कुछ बताना, तुमसे मिलकर मैंने जीवन को जाना। था यारा बिन तेरे मैं तो अधूरा, पाकर तुझे ही हुआ हूँ मैं पूरा। पलकों में तुझको छुपाया है मैंने, दिल में तुझे ही सजाया है मैंने। यार बे यार बे, छोड़ के न जाना ये गुजारिश है। हे, ये तो मेरा रुमाल है, दे दो। जी वो इसे मैंने यूज किया है। दोस्त का रुमाल रखने से झगड़ा होता, चलो दे दो। नहीं नहीं, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। हेलो। क्या सर, आजकल आपका फोन बहुत बिजी होता है, कोई मिल गया है क्या? ऐसी बात नहीं है, मेरी माँ, मैं डार्लिंग, उससे बात करके मेरा मन हल्का हो जाता है, बस और कुछ नहीं, सॉरी। हाउ स्वीट। तेरे नाम का कोई पैगाम लेकर, बारिश की बूंदें मुझे जाए छूकर। तुम ही हो मेरी सारी दुनिया, तुमसे मिली है मुझे सारी खुशियाँ। आजा तुझे मैं निगाहों में भर लूँ,
दिल में जो है वो बातें तो कर लूं, चाहत के मंदिर में तुझको बिठा कर दिल का जलाऊं दिया। जब से मिले हो लगता है जैसे मुझको तो सारा जहां मिल गया। लब पे हमेशा तेरा नाम आए पाकर तुम्हें जैसे दिल खुल गया। यार वे यार वे नारियल की चटनी लेंगे? नो थैंक्स। आप भी सर नारियल की चटनी चाटते रहते हैं। ये क्या है? फिश फ्राई मैडम, स्पेशली विक्की ने अपने हाथों से बनाई है। तुमने बनाई है? यार वे ये क्या सर ऐसे ही चली गई? लड़की को चटनी दोगे तो यही होगा। तेरे मैं तो अधूरा, पाकर तुझे ही हुआ हूँ मैं पूरा। पलकों में तुझको छुपाया है मैंने, दिल में तुझे ही सजाया है मैंने। यार वे तू ही मेरी पहली ख्वाहिश है। यार वे छोड़ के न जा ये गुजारिश है। यार वे तू ही मेरी पहली ख्वाहिश है। हेल्प कैसी? मैं इस बार के एनुअल डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला हूँ। तू करेगा डांस? हाँ मैं हिस्सा लूंगा, तो क्या मतलब हम तो हमेशा ही सपोर्ट में थे। क्या यार, हम हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट लेते हुए रह जाएंगे? सपोर्ट तक रहेंगे तो हीरो रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो जीरो बन जाएंगे। मैंने डिसाइड कर लिया है, ये फिक्स हो गया। मुझे अर्जेंटली अभी के अभी एक अच्छा सा डांस मास्टर ढूंढ के लाओ ना प्लीज। डांस मास्टर प्ले। मैं शक्ल से गधा दिखता हूँ क्या? गधा दिखता हूँ क्या तुम्हें? तो मेरे साथ डांस करो यार, वार्म अप होना चाहिए ना। फोन है यार, मोमेंट नहीं है। डार्लिंग क्या हुआ, अभी अभी उठी क्या? तो आवाज ऐसी क्यों है? ऐसा है क्या? गुड बाय। हमेशा मैं ही दूं क्या? तुम नहीं दोगी? अब तुम दो। अच्छा लगा, देख रहे हो क्या? अब देखो। ओके बाय। आज के लिए काफी है, कल कंटिन्यू करेंगे। ओके ना, ड्रॉप करो। वन मिनट, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं आता हूँ। डार्लिंग तुम्हें ही याद कर रहा था। धोनी खेल रहा है क्या? देवी धोनी नाम का नया लड़का है, फ्यूचर में कैप्टन बनेगा। हाँ मैं। नो अब तुम देखो। मैं तो माइकल जैक्सन ही हूँ, मेरा तो फिक्स है। मेरी छोटी सी दाढ़ी पर पप्पी दोगी क्या? तेरी तो।
अच्छा, डांस मास्टर लाने को बोला था, किस जोकर को ले आया? बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कंटेंट कहाँ है बे? आखिर हुआ क्या है? तुझे पता है ना क्या हुआ है? लव यू डार्लिंग, मिस यू। बच्चे आ गए, कॉल यू बैक। क्यों भाई, खाना तैयार है क्या? मेरा नाम पोतू राजू है। इसमें बताना क्या, देखकर ही पता चलता है। हेलो। हाय विकी। हाय। हाँ, इतना डल क्यों साउंड कर रहे हो? थका हुआ हूँ, बस तुम्हें याद कर रहा था। वो सब तो ठीक है, पर बताओ बात क्या है? वो एक बड़ी कहानी है। चलो बताओ भी। इस बार इंटर कॉलेज कंपटीशन में सॉन्ग कंपोज करने के लिए एक अच्छे डांसर को बुलवाया था। हाँ? वो डांस कम और पोज ज्यादा मार रहा है, उसके बावजूद भी उसे इज्जत से बाहर भेज दिया। ओ, तो अब क्या होगा? वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सपोर्ट की हुई कोई भी टीम कभी हारी नहीं है, और इस बार फर्स्ट टाइम मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, कैसे जीते समझ में नहीं आ रहा है। विकी, क्या मैं कोरियोग्राफी ट्राई करूँ? कोरियोग्राफी? तुम्हें डांस आता है क्या? मुझे डांस आता है क्या? बस थोड़ा थोड़ा सा आता है। तुम्हें अगर मुझ पर भरोसा है तो चांस दे दो। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। ओके, नाइस, सुपर्ब। पर स्टेप्स कुछ इजी रहेंगे तो बेटर रहेगा ना? हाँ, ओके 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 ओके। हनुमान जी के सामने हाई जंप, भूल गए क्या जो बस में स्टेप कर रहे थे? वो नीचे गिरने वाला स्टेप काम में तो आया ना सर। प्रैक्टिस करते हैं सर। हाँ। क्या सर, शीशे पहुंच रहे हैं? सॉरी सर, सॉरी। डांस बड़ी मुश्किल है सर, लगता है हड्डी खिसक जाएगी। छोड़िए, आपसे नहीं होगा, चलिए गाना गवाते हैं आपसे, आइए। सुपर्ब किया तुमने। मुझे लगा बीच में भूल जाओगे, पर अच्छे से याद रखा तुमने। इट वाज सो गुड। बस मैजिक ही था मैडम। नो नो, इट वाज रियली गुड। थैंक यू मैम। आप लोग बात करते रहो, हम कपड़े बदल कर आते हैं। ठीक है जाओ। थैंक्स। ऑलरेडी तुमने कह दिया है। विक्रम, कल मैं पुणे जा रही हूँ।
जाना पड़ेगा ना। हाँ। बस कितने बजे की है? जाना ही पड़ेगा, तभी तो लौट के आऊंगी। ठीक है जाओ। Can I have some water? मिस करोगे क्या विकी? प्यार, पसंद, ये सब फीलिंग्स होते हैं। चाहो तो तुम इसे बढ़ा सकते हो, नहीं तो उसे कम किया जा सकता है। यू गेट वॉट आई मीन राइट? मैं प्यार कर रहा हूँ तो मन में फीलिंग्स तो होगी ही ना। ये एक महीना तुम दूर रहोगी पर मेरी फीलिंग्स तो मेरे साथ ही रहेंगी, उन्हें कोई नहीं दूर कर सकता। मेरे एक्सेसरीज मैक्सिमम मेरे लिए डिजाइन फॉर माई सेल्फ। लॉन्ग बैक एक बार मेरी मम्मी के लिए डिजाइन किया था, उसके बाद स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन की है। वेट, ओनली फॉर यू। Can be used in the website. One second. The concept of sir? Circular. है. ये क्या है? सेमिस्टर हॉलीडेज पर अपने गांव जाने वाली सितारा मैडम का एक्सीडेंट हुआ है, अभी उनका आना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने रिजाइन की है। प्रे फॉर हर टू गेट वेल सून। सितारा के स्टूडेंट्स हैं। ओह मैडम कैसी हैं? वो तो ठीक है लेकिन आप उन्हें देख सकते हैं? प्लीज कम इन। एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है, प्लीज जरा भी स्ट्रेस मत दीजिएगा उसे। सितारा, ही लोग का तुझे स्टूडेंट साहित। ओह हाय, सॉरी, कैन आई नो योर नेम्स प्लीज? शिवा। हाय वासु। हाय वासु। हाय। What's your name? What happened? What's wrong? Oh.
जाना ही पड़ेगा। सीतारमण की शादी उनकी कजन से तय हो गई है। स्टाफ और स्टूडेंट्स के लिए दो कार्ड भेजा है उन्होंने। तो शादी पे चले क्या? वो बात ही सुनी नहीं जा रही है यार। तो उनको देख पाऊंगा या नहीं पता नहीं, दिल वही थम जाएगा। वो शादी मुझसे भी तो कर सकती थी ना, मैं भी तो उसका बहुत अच्छा ख्याल रखता। ए, ख्याल रखता ना मैं। ए, तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, ये बात उनके घर वालों को पता ही नहीं है। वो खुद भी तुझसे प्यार करती थी, ये भी याद नहीं है उन्हें। से दूर हो जाओगी लेकिन मेरी फीलिंग्स तो मेरे साथ ही रहेंगी ना। कोई भी इंसान मुझे इनसे दूर नहीं कर सकता। तुमने तो कहा था यहां का खाना टेस्टी होता है, यही है क्या? मैनेजर। यस सर। ऑफिस का लंच कैंसिल करके हम लोग यहां पे आए हैं। ओह थैंक यू सर। कैसा? थैंक यू, लास्ट टाइम खाना अच्छा था, ये कैसा खाना? खाने में टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? सर वो क्या है ना कि बिल लेकर आ जाओ, वो तो छोड़ोगे नहीं। अभी लाया सर। ये क्या है? कॉम्पेंसेशन है सर। बिना डांट का टेस्ट नहीं आता है? सिर्फ विक्की से ही टेस्ट आता है सर। वो कौन है? हमारा चीफ शेफ और यहाँ का ओनर भी। ओ, विक्रम विजय सिंह। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी सर। जिंदगी में सबसे अहम बात होती है मौका मिलना। वो मिलने के बाद उसे हासिल करने वाले कुछ होते हैं और कुछ होते हैं कि मिलने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। तुम सेकंड टाइप की हो, जा सकती हो। यही है हमारे सर विकी। विकी फूड सुपर फैंटास्टिक। थैंक यू। तुम्हारे हाथ में मैजिक है भाई। तुम्हारे हाथ में मैजिक है। माँ दिल देखती है और पत्नी जेब देखती है, लेकिन इन दोनों को कॉमन देखने वाली सिर्फ यही चीज है। शुरू हो गया तो बाहर लास्ट बिलिंग भी शुरू हो गई है। लेना, जब देखो तू हमेशा सीरियस मूड में क्यों रहता है? तू ओनर है, वैसे मेंटेन रखना।
मैसेज आया देख पढ़ ले। Excuse me, how can you charge like this? Ma'am, will you please explain it? It's a policy, ma'am. Look at this. It's about charges. See, yeah. We understand this. We understand service taxes. But what is SB tax? Can you please call the manager? David, तुम जाओ। कहिए मैडम, क्या प्रॉब्लम है? ये क्या है? बिल है मैम। इसे पे करने के लिए आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लोग आपके टेबल पे आ जाएंगे। कस्टमर्स के साथ कॉमेडी। ये बिल के नीचे टैक्सेस क्या है? VAT, सर्विस टैक्स, ओके। SB टैक्स क्या है? अभी तक किसी ने पूछा नहीं था और किसी ने पूछा नहीं तो मैंने भी जानने की कोशिश नहीं की। Excuse me. SB टैक्स मतलब स्वच्छ भारत टैक्स। ये सारे टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। हम चाहे कितना भी बोले आप लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, इसलिए बिल के ऊपर 10% सीजनल डिस्काउंट दिया हुआ है। उस पर थोड़ा ध्यान देकर प्लीज कम अगेन। ओह नाइस, गुड। बाय द वे, खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू। भगवान ने जुबान दी है ये सोचकर फोकट बातें नहीं करते। हमें भी ऑनर बनने का मौका मिलेगा तो। मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। अरे बैग रखे ना यार, वो बनाने का मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। आजा। हेलो। हे विकी, कैसा है यार? कौन है? अबे तू मुझे भूल गया? हम लोग कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड थे यार। अर्जुन। चल यार, तुझे याद तो हूँ मैं। देख बात तो ऐसी है कि मेरी शादी तय हो गई है नेक्स्ट मंथ बैंगलोर में। 2 दिन पहले ही आना है बैचलर्स पार्टी के लिए। अरे जरूर जरूर, कांग्रेचुलेशंस। अच्छा क्या अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज्ड ही है, पर मैं उससे प्यार भी करता हूँ। ओहो क्या बात है। और तू भी ना, एकदम हमारे बीच से गायब ही हो गया। आउटलुक में मैंने तेरे बारे में आर्टिकल पढ़ा, मुझे बहुत खुशी हुई। अपनी फियांसी को भी दिखाया मैंने। अच्छा यार, अपने बैचमेट्स वासु शिवा क्या कर रहे हैं? बहुत पढ़ने वाला शिवा अपने फादर का कॉन्ट्रैक्ट देख रहा है, और वासु ने तो ज्यादा पढ़ाई नहीं की ना, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। ठीक है, मुझे इन दोनों का नंबर व्हाट्सएप करना। या श्योर। वैसे भी अपने कॉलेज डेज अलग थे यार, वो लड़ाई झगड़े, वो डांस मस्ती। सितारा मैडम, शादी में नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन पार्टी में आना ही पड़ेगा। या श्योर, ओके ओके यार, भूलना मत। बाय। ओके बाय। हाय। कौन हूँ ये सोच रहे हो ना? आपकी फैन हूँ सर। याद आया क्या, उस दिन बिल के टैक्सेस के बारे में आपने एक्सप्लेन किया था? ओह हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। लेकिन इतनी सुबह सुबह यहाँ? फैंस का टाइम से क्या लेना देना, बोलिए। टीवी में, यूट्यूब में आपकी अच्छी फॉलोइंग है ना? सार्कास्टिक वे में बात कर रही हो? अरे ऐसा क्यों कह रहे हो, अभी नहीं, तुम्हें काफी समय से फॉलो कर रही हूँ। सबको तुम्हारा खाना पसंद है, और मुझे पसंद है तुम्हारी कविताएं। कुछ याद आया क्या? स्काई इज ब्लू, माई लव इज ट्रू, आ गई है जवानी, मैं हो गया हूँ दीवाना, तू दे दे मेरा साथ तो बन जाए अफसाना। ये लेटर तुम उसे दे दोगी? ठीक है, बड़ा सा चॉकलेट दिलाऊंगा। ओके वेरी गुड, जाओ 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 जाओ। सिंधु? Oh my God! Are you serious? Yeah. Can we sit down? Yeah, sure, please. Yeah, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना? No, years. हाँ वही, कितने years के बाद? यकीन ही नहीं हो रहा है मुझे। असल में मैं पहचान ही नहीं पाया। वैसे तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? पता नहीं, maybe तुम्हें बहुत बार याद करने की वजह से। Can I have a juice? Yeah, sure. अरे भाई, क्रैनबेरी? Okay? Yeah, yeah. दो क्रैनबेरी। Okay. सिंधु, तुमने वो लेटर पढ़ भी लिया था क्या? पढ़ना क्या था? मैंने तो दिया भी नहीं। सच में? सुमा दीदी के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, और हमारे स्कूल प्रिंसिपल भी स्ट्रिक्ट थे। हमारे टेंशन हमें ही पता है। इसीलिए तुमने नहीं दिया? ऐसे किसी का लेटर कोई पढ़ता है क्या? जाने दो। कब से रहती हो यहाँ पर तुम? 3 साल से। वैसे आंटी अंकल कैसे हैं? अंकल इज एब्सोल्युटली फाइन, आंटी वहाँ ऊपर है। ओह आई एम सॉरी। हाँ दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
स्वच्छ भारत ना, अब क्या हो गया? एक छोटा सा सरप्राइज, ये सिंधु है। हाय। हाय। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड। किसका चाइल्डहुड? मतलब ऑलमोस्ट हाफ जनरेशन का गैप है ना। समझ गया, मतलब तुम्हारे बॉयहुड में चाइल्डहुड थी, वैसे ये तुम्हारी चाइल्डहुड हो गई। एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि मैम ये जो है ना, अब ये कुछ बोलने देगा तभी तो बोल पाऊंगा मैं। कैरी ऑन, थैंक यू। हैव इट। ओके। ओए, आज अपना हीरो बहुत खुश है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। लड़कियों को सेल्फिश कहते हैं, पर होती नहीं। कौन, सिंधु? नहीं, जो पसंद थी उस सुमा के बारे में बोल रहा हूँ। सिंधु ने लेटर दिया ही नहीं, तो उसे पता कैसे चलेगा? करेक्ट। बहुत बुरा बोल दिया था उसके बारे में। पूरे 15 साल लग गए, सुमा अच्छी है ये जानने में। लड़कियां अच्छी होती हैं यार। अच्छी होती हैं। वो लड़कियां क्या होती है? अच्छी होती है। फोन नंबर ले सकता था ना, पता चल जाता कि वो आ रही है या नहीं। ले आ गई। हाँ? पीछे घूम। क्या विकी, अपना नंबर तो दे सकते थे ना, मुझे डाउट था तुम यहाँ होगे कि नहीं। तुम कुछ खाओगी क्या? यहीं पे खाना होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलो बाहर चलते। या श्योर, कम ऑन कम ऑन। अरे इस तरह क्या सुन रहा है, तेरा दोस्त वैसे भी कॉस्टली बॉटल लेके आया है, धो लेना और फिर पी लेना। अपने वाले लव कम, अरेंज वाले ज्यादा है। तेरी होने वाली बीवी करती क्या है? उसके पापा के पास 50 एकड़ जमीन है, और क्या करेगी वो? बाप रे। उसमें से अपने को कितना मिलेगा? लड़कियों को बेचोगे तो प्रोस्टिट्यूशन, लड़कों को बेचोगे तो दहेज बोला जाता है। सिर्फ तरीके अलग है, मतलब तो एक ही है। ए, यू मैच्योर मैन। तुम्हारी वाइफ का क्या नाम है वासु? उमा। उपमा? क्या यार, नाश्ते का नाम रख दिया, कोई तो वैरायटी होनी चाहिए थी ना। लकवास बंद करो। तुम्हारे ससुर जी का नाम इडली और सासू जी का नाम पोहा है। अरे उपमा नहीं है यार, उमा है। ऐसे नोक जोक करने के लिए भी हम दोनों के पास कोई नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। जाने दे, हम दोनों की एक ही जोड़ी है, ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। निकल, हम दोनों कैसे बन सकते हैं, मुझे जरूरत नहीं है। ये भाई लोगो, सर की नई लव स्टोरी का पता है क्या? कौन रे? वासु, 15 साल पहले याद है क्या? कौन थी पता है? सुमा थी। सुमा? वो और यहाँ शादी होके उसके बच्चे भी हो गए होंगे, गलत खबर है। कुछ भी पूरा नहीं सुनता है ना तू। सुमा तक लेटर पहुँचाने के लिए कुरियर की तरह किसे यूज किया था? किसे? सिंधु। हाँ, वो छोटी वाली अभी बड़ी हो गई है। ओ, तो अभी क्या हुआ? होना क्या था, सर को लव हो गया उसके साथ। तो क्या उसके ऊपर क्या होगी? लगभग 22 साल। और तेरी? जाने दे। सैफ अली खान के फर्स्ट मैरिज में करीना कपूर 11 साल की थी, शादी में जाकर इतना सारा आइसक्रीम खाई थी। अभी वही करीना कपूर 21 इयर्स के बाद वही सैफ अली खान के साथ शादी करके दोनों ने मिलकर इतनी आइसक्रीम खाई थी। उन दोनों के बीच में कितना फर्क है? यार कोई भी स्टोरी हो, तेरे लिए एग्जांपल बड़े अच्छे मिल जाते हैं। विकी, ये सब नहीं, तू बहुत दिनों के बाद एक्टिव और हैप्पी दिख रहा है, बिना लेट किए अपने दिल की बात उसको बता दे। कौन होगा वो? फ्रेंड हो सकता है, भाई हो सकता है, चाचा होगा, दादा हो सकता है, मामा हो सकता है। कुछ भी बोल यार, प्यार होने के बाद सब कुछ पॉजिटिव लगता है। ओके बाय। देर किस बात की, चाचा जी चले गए, अब तू जाके प्रपोज कर। बहन जी दुर्योधन, तुम जाकर लड़की से बात करो, उसे प्रपोज करने से पहले ही वो तुम्हें हाँ बोल दे, मैं ऐसी चाल चलता हूँ। जाओ जाओ जाओ। हाय। हे प्रिया। वो कौन थे? दे, इतना बड़ा रेस्टोरेंट इतने अच्छे टेस्ट के साथ चलाना विकी के अलावा किसी के बस की बात नहीं है। तुमसे जो भी शादी करेगी ना, उसकी तो समझो लॉटरी लगी, सांजलम निहाल हो जाएंगे। सर, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, उसकी वजह आप हो। क्या कहा? जो टेस्ट यहाँ है वो उसके हाथ के खाने में नहीं है, ऐसा ताना वो नहीं सुन पाई सर। लेकिन कोई बात नहीं सर, मैं यहीं पे खा के जी लूंगा सर। थैंक यू मैडम। उन्होंने कहा इसलिए अच्छा नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, मस्त है, फंटास्टिक, बट छोटा पड़ जाएगा। तुमसे पता नहीं कौन शादी करेगा, पर जो भी होगी लकी होगी।
विल यू टेक दैट लक? हाँ? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारे पेरेंट्स से आकर मैं बात कर लूंगा। मेरी शादी ऑलरेडी फिक्स हो गई है विक्की। दो दिन में एंगेजमेंट है। अभी जो आया मेरा फियांसे था। विकी बैठ सकते हो? क्यों बैठो तुम्हारे साथ? 10 दिन से हम दोनों एक साथ घूम रहे हैं, एक बार भी एंगेजमेंट के बारे में बताना तुमने जरूरी नहीं समझा? इतना क्लोज क्यों आई तुम? इतनी नजदीकियां क्यों बढ़ाई? कभी तो बचपन में लिखे लव लेटर के बारे में इतने डिटेल में बता रही थी, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ाए बिना मैं कैसे रह सकता था? फाइनली मैंने बताया और तुमने रिजेक्ट कर दिया। अब खुश हो ना? हो गया ना? सैड सीनो, लेकिन मैं सैड नहीं रह सकता यार। ये सूर्या गाना लगा यार, थोड़ा मूड तो बनेगा। प्रेम करे ना कोई, दिल दे ना कोई, इशारा करे ना। बाप रे, ये जानबूझकर नहीं किया हुआ है, ये तो सिचुएशन में सेट हो गया यार, मुझे कुछ नहीं पता। दिल दे ना कोई, इशारा करे ना कोई। ये लड़कियां सारी ऐसी होती हैं, सेल्फिश। देख यार, उस दिन तू सुमा के बारे में भी ऐसा ही सोच रहा था और 15 साल बाद आज ओपिनियन बदल गया। देखता रहा है, 10 साल बाद हो सकता है सिंधु के बारे में भी ऐसे कुछ पता चले। तब पता चलेगा तो भी क्या फायदा होने वाला है? कम से कम टाइम भी तो नहीं है, 2 दिन ही। तो क्या करें? और एक पिक मारते हैं। दुख, खुशी, गुस्सा, नफरत, डर, इसमें से जब एक भी ज्यादा होता है तो यही तो सपोर्ट करता है हमें कुछ सालों से। बिल्कुल रे। चीयर्स। क्या है ये? Get out. Hello. मैं सिंधु। इतनी बार कॉल करने की क्या जरूरत है? तुमसे बात करनी है। फोन रखो और अपने फियांसे से कॉल करके बात करो। मैं कंफ्यूजन में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? भगवान पे भरोसा रखो और अपने मन की बात करो। अबे कौन है तू? मैं बोल रहा हूँ। फोन रख। देखो सिंधु, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मर्जी। इसी ब्रांड में और कोई फ्लेवर साइज जरा देख लेना। ओके जी, ओके। क्या यार, देखता सिंधु वहां वेट कर रही है। क्या हुआ, डल क्यों लग रही है? एंगेजमेंट कैंसिल हो गई क्या? नहीं, वो हो गई, शादी कैंसिल हो गई। क्या हुआ था? हाय, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हाय, कांग्रेट्स। ऑल द बेस्ट बॉस। थैंक्स। ओके, सी यू। ओके, बाय। बाय। तुम्हारे बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा हैं, मतलब दोस्तों में लड़के बहुत ज्यादा हैं ना? कांग्रेट्स। हे, कांग्रेट्स ब्रो। सिंधु, वन सेल्फी। हाय ब्रो, कांग्रेट्स। ओके, कुछ भी हो मुंबई में पढ़ाई की है ना, फ्री लाइफ तुम लोगों में कॉमन है ना? इतना मासूम बनने की कोशिश मत करो, सड़ा हुआ मुंह मत बनाओ। हाँ? फिर से बोलो। वैसे भी तुमसे क्या, उससे बोलना चाहिए। किसे? मेरी माँ को। तुम अपनी माँ से ऐसे बात करते हो? मैंने तुम्हारी माँ को तो कुछ नहीं बोला ना। ऐसा सब सुनकर बहुत रोना आ गया था, सब लोग वजह पूछने लगे। बोल दिया, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ।
उसने पापा पर भी हाथ उठाया। घर में सब बहुत अपसेट हैं। रिश्तेदार तो मम्मी पापा पर चिल्ला करके कह रहे थे कि बिना कुछ पूछे जाने शादी कैसे फिक्स कर दी। पता है विकी, वो ड्रिंक भी करता है, स्मोक भी करता है और ड्रग एडिक्ट भी है। छी छी, आई हेट ड्रग्स। यही सब तुमसे शेयर करने आई थी। ओके मुझे थोड़ा काम है, तुम पास्ता ऑर्डर करना चाहोगी? नहीं, चलती हूँ, इट्स ओके। क्या यार, ऐसे ही भेज दिया? तो क्या करता? उस लड़की ने ये सब बातें तुमसे क्यों शेयर की, जरा सोचो इस बारे में। वो बुरा है और मैं अच्छा हूँ, बस इसीलिए। मेल ईगो। शट अप। तो तुम्हें लगता है कि बर्डली स्टोरी सुनानी पड़ेगी? हाँ? पंछियों की कहानी। उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे उसमें हीरो मैं हूँ यार, अब तो सुन लेना। चल बोल। आज से ठीक 15 साल पहले वहाँ, तब रिसेशन शुरू हो गया था और तभी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं हाथ में डिग्री और सर्टिफिकेट लेके कॉन्फिडेंट चाल के साथ अपनी माँ के पास पहुँचा और वो सर्टिफिकेट उन्हें थमा दिया। वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, उन्हें बहुत घमंड हो रहा था कि मैं उनका बेटा हूँ। मैं उनकी आंखों में वो देख पा रहा था। बेटा, तुम शादी करोगे? आप जैसा बोलो माँ। पंडित जी, आपको पता है ना मैं कौन हूँ? क्या हुआ बहन जी? मैं समझ गया। पंडित जी ध्यान से सुनिए, हमें 25 लाख दहेज चाहिए। लड़की बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, घर में ही रहने वाली चाहिए। यस। क्या कहते हैं? सही कहा, इससे कब नहीं चलेगी। उस दीवान को लेके 7 साल बीत गए, सेम पंडित, सेम माँ, पापा की पोजीशन भी सेम टू सेम। पंडित जी जी, 15 लाख दहेज चाहिए, लड़की थोड़ी सुंदर चलेगी, खाने का देख लेंगे। तो ननद के लिए? वो कहाँ से टपकी, क्या कहते हैं आप? ठीक है काम मत करना। और उसके बाद 4-5 साल और बीत गए, सेम पंडित, सेम माँ, सेम टू सेम पापा, लेकिन सबके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो गए थे। पंडित जी हाँ बोलिए। दहेज नहीं भी देंगे तो चलेगा, हमारे पास काफी कुछ है, लेकिन लड़की दिखने में अच्छी चाहिए। और खाने का क्या, जब तक मुझसे होता है मैं कर लूंगी, उसके बाद ये कर लेगा। हा? क्या कहते हैं जी? बहुत बढ़िया, अब इससे कम मत करना। हाँ माँ। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है पता है क्या? फोन। मेरी माँ। अरे बाबा, तुझे जो मिले उससे कर ले, ज्यादा खींचेगा तो कोई नहीं मिल पाएगी। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? रखना माँ, ये है मेरी सिचुएशन। टाइम के साथ साथ मेरी उम्र भी ढलती जा रही है, अब मुझसे कौन शादी करेगा? छी, इतनी उम्र होने के बाद खुद को मेंटेन रखने के लिए बालों को पहले काला करो, फिर उन्हें कटवाओ और फिर उन्हें शेप दो, एक बार फिर से स्टाइल करवाओ, फिर से कलर करवाओ। अरे यार सारे बाल उड़ गए मेरे। सर जूस। थैंक यू थैंक यू, मेरा सारा कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है यार। क्या हो गया है मेरे माँ बाप को? हमें क्या है, हम तो लड़के वाले हैं, ये सोचकर जवानी में उनके पर निकल आते हैं और उनके पर कटते कटते हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं और इसके लिए चुकानी पड़ती है भारी कीमत। इस समय इतनी प्यारी लड़की तुझमें इंटरेस्ट दिखा रही है यार, तू उसे अपना के अपना घर बसा ले, ऐसा चांस वापस नहीं आएगा, मिस मत कर। मैं कोई तेरे बकवास के लॉजिक से कन्विंस नहीं हुआ हूं, पर मुझे ही पता नहीं है क्यों कल उससे मिलना है, मिल लूंगा। ईगो। तुमसे कुछ कहना था। आई लव यू विक्रम। हाँ विक्रम, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तभी ये फीलिंग जागी, पर उस समय मैं तुम्हें बता नहीं पाई क्योंकि मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी थी। एक ना एक दिन एंगेजमेंट के बारे में बताना ही था। हर दिन भगवान से एक ही प्रार्थना मांगती थी कि विक्रम मेरा हो जाए। भगवान ने सुन लिया और ऐसी सिचुएशन हो गई। आई लव यू विक्रम। सिंधु मुझे एक मिनट दोगी प्लीज? ओके। सिंधु। Thank you.
तो शर्म करो। कौन है? रवि दिन में कम से कम 100 कॉल और 200 मैसेजेस करता है। देख भाई, सिंधु तुझे नहीं चाहती है ना, तो छोड़ दे। मना करने वाला तू कौन होता है बे? देख भाई, सीरियस क्यों हो रहा है बे? तेरे बाप की तो इसने भी तेरे बाप की तो बोल दिया है जी। अब आगे क्या होगा वो तो आप भी जानते, सिर तो फूटेगा। थोड़ा ज्यादा ओवर हो गया ना? बिल्कुल भी नहीं, लेटेस्ट नागार्जुन स्टाइल, उसको तो हम देख ही लेंगे। कौन है तुम लोग? प्याज के दाम क्यों बढ़ गए रे? अब आम आदमी कैसे जिएगा? क्या रेट है भैया? मुझसे रेट पूछता तेरी तो। ड्रामा क्यों बंद कर दिया रे? लाइफ में लड़कियों की कमी, इंटरनेट में मूवीज भी नहीं है, फिर कैसे जिएंगे यार? कैसे कैसे, कैसे? थोड़ा हंसना यार, मेरे से पहले तेरी शादी हो रही, हंसी नहीं आ रही मुझे। नेक्स्ट तुम्हारी होगी। ओ रेडी। बेटा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोल ना। अरे ऐसे क्या देखा? बोल बोल बोल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? उसके उससे क्या दुश्मनी थी? तुम कौन हो भाई? तू कौन है? रवि। कंडक्टर? कॉन्ट्रैक्टर। रॉन्ग नंबर। हाँ, तूने जो नाम बताया वो इतना बड़ा था, इसका तो बहुत छोटा सा नाम है यार। कंडक्टर कॉन्ट्रैक्टर, एक छोटी सी गलती की वजह से ये सब हुआ है। क्या हुआ, टेंशन में हो क्या? रवि आएगा सोच रही हो? हाँ? कल पंडित जी हमें अरुंधति नक्षत्र दिखा रहे थे, तब तक बाकी के तारे मैं उस रवि को दिखा चुका था। ए, तुम लोग मुझे किसी कारण से ही मार रहे थे, मेरा बैकग्राउंड पता नहीं है शायद। लग रहा है।
थैंक यू। हेलो बेटा। हाय हाय अंकल। कैसा है रे? हाय, कहाँ थे आप? अरे अरेंजमेंट करवा रहा था भाई। ओ अच्छा, फोटो। ओके। ये सब क्या है पापा, दाढ़ी कितनी बढ़ा ली? स्टाइल है बेटा, अपडेट रहने का। मैं 10 साल पहले कॉलेज में था तभी छोड़ दिया था, अभी ये ट्रेंड है। अच्छा। हेलो, ट्रेंड की बात तुम किसके सामने कर रहे हो? अच्छा। बिल्कुल सही कहा तुमने। प्यार शब्द ही बहुत पावरफुल है। सुमा जब विकी के लाइफ से निकली तो विकी ने उसे अपने दिल से निकाल दिया। उसके बाद इसकी लाइफ में एंट्री हुई सितारा की, जिसने उसे स्ट्रेंथ दी और बताया कि प्यार क्या होता है। लेकिन अफसोस, वो भी उसकी जिंदगी से दूर चली गई। प्यार में जोश होता है, इंस्पिरेशन होती है, और यही वो चीज है जो आपको जिंदगी में जिंदा रखती है। अब विकी की लाइफ में लाइफ और जीत दोनों है। वो बहुत ही हैप्पी है, और अगर वो हैप्पी है तो मैं भी हैप्पी हूं, क्योंकि किसी भी पिता की लाइफ में इस दुनिया में अपने बेटे की खुशी से ज्यादा और कुछ होता है क्या? तो सर आपकी शादी हो गई? लेकिन जल्दी होगी। पर कौन है सर? मैं सेट कर रहा हूँ। ओ सुनीता मैडम के साथ लेक्चरर है, कॉलेज में नहीं आई है। थैंक यू सर। अरे वहाँ ट्रिक्स खत्म हो गई, जा जा करना। ये लोग सिर्फ ये सोच समझते हैं। तुम्हें देखते मेरे अंदाज बदल गए। मैं रिश्ते में बदलाव चाहती हूँ। क्या सच में? हाँ। इतना घुमा के क्यों बोला तुमने? माँ सुनो, एक मस्त फिगर मुझसे शादी करना चाहती है। हे भगवान, चलो अच्छा हुआ। वैसे लड़की पैसे वाली है ना? ये नहीं सुधरेंगे मरते दम तक। तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम स्टार है ना? एस मतलब कोई नाम है क्या? बाप रे, शादी होके 10 दिन भी नहीं हुए और सवाल भी शुरू हो गए। अरे कुछ नहीं, बचपन में मेरी कुंडली में लिखा था कि मेरी शादी जब होगी तो एस नाम की लड़की से होगी, सो जस्ट मैंने इंस्टिंक्ट सा रख दिया था। अब देखो, एस फॉर सिंधु, मेरी वाइफ। मेरा इंस्टिंक्ट करेक्ट हो गया ना? ऐसे बताऊं मैं दिल की बातें, खोए खोए दिन थे खोई थी रातें। है आज तुमसे मुझे कुछ बताना, तुमसे मिलकर मैंने जीवन को जाना। खाया बिन तेरे मैं तो अधूरा, पाकर तुझे ही हुआ हूँ मैं पूरा। बहुतों में तुझको छुपाया है मैंने,
दिल में तुझे ही सजा है मैं यार।